अगर आप, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं साउथ इंडियन भी नहीं हूँ. लाइक आई डोंट लाइक कॉलिंग देम फीमेल ओरिएंटेड बिकॉज वो टर्म मुझे समझ में नहीं आता. क्योंकि तमन्ना, आपसे मेरा सवाल है कि जब मैं, जैसे मैंने पूछा अभी मधुर सर से, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपने जिक्र किया अभी बात करते करते कि आपकी भाभी हरियाणा से हैं. लैंग्वेज आपकी बहुत अप टू द मार्क लग रही है, कहीं से लग नहीं रहा है कि आप हरियाणवी नहीं है. जिस तरह की आपकी डायलेक्ट डिलीवरी है, लग रहा है कि हाँ बात बहुत मेहनत करी गई है. भाभी का कितना दखल था इस जुबान को सिखाने के लिए, या कोई टीचर बुलाया गया कि हरियाणवी सीखें आप? सर एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं साउथ इंडियन भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे साउथ इंडिया की पूरी जो ऑडियंस है उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे ऐसे अपना लिया कि मैं उनकी अपनी हूँ. तो शायद जब मैंने तमिल तेलुगु सीखा तो उन्होंने मुझे अपना लिया, और इस फिल्म से यही उम्मीद है कि अभी मुझे नॉर्थ बेल्ट भी अपना ले और अपना बना ले. बस एक तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि इतने अमेजिंग फिल्म मेकर्स एंड अमेजिंग लोगों के साथ काम करने मिल रहा है, बिकॉज आप जिनके नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मधुर सर, सब बहुत ही अच्छे लोग हैं, और मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है बिकॉज वहीं से यू कैन एक्चुअली क्रिएटिवली कोलैबोरेट विद पीपल. बट मेरे हिसाब से आई थिंक आई हैव नेवर लुक्ड एट सिनेमा इन एनीथिंग एक्सेप्ट फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट. जो जिस किस्म का सिनेमा मधुर सर बनाते हैं वो एंटरटेनिंग है, उनका जॉनर बेशक अलग हो, पर आई थिंक आई फाइंड हिज सिनेमा एट ऑलवेज सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, वॉट एवर फिल्म आई हैव बीन एक्सपोज टू ऑफ हिज, आई फाउंड देम सो एंटरटेनिंग एंड एक्सट्रीमली कमर्शियल. सो आई फील लाइक उन्होंने एक्चुअली फीमेल एक्टर्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रोल, स्ट्रॉन्ग फिल्में बनाई हैं. आई डोंट लाइक कॉलिंग देम फीमेल ओरिएंटेड बिकॉज वो टर्म मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फिल्में सभी के लिए होती हैं, ये सिर्फ औरतों की तरफ ओरिएंटेड नहीं होती, ये एक्चुअली एक मास ऑडियंस के लिए बनाई जाती हैं, बट इसमें मेन कैरेक्टर एक फीमेल होता है.